अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई लोग 2 दिन का वीडियो नहीं बनाए तो आप लोग तो पूरा एकदम गुमशुदा घोषित कर दियो। यानी ऐसा भी थोड़ी होता है क्या? यानी 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं, हम लोग सोचते सोचते कि क्या वीडियो बनाए, क्या करें आगे, बहुत लंबी ज़िंदगी है। आप समझा करो भाई, यानी ऐसे हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, साल एक गुजर जाता है, वीडियो नहीं बनती तो नहीं बनती। चलो आज बना लिए, चलो अब खुशी खुशी देख लो। तो भाई लोग, ये इमार लोकेशन जो है, ये लोकेशन आप लोग मेरे को पहले भी देखे हो। अभी यहाँ पे आया हूँ फिर से। असल में हम लोगों को गेट टुगेदरिंग करना था कहीं और पे, लेकिन अभी भाई बोले कि मेरे को अभी इमार की स्टारबक्स में मिलो। वैसे शक्ल तो मेरी बहुत ही बड़ी दिख रही है कैमरे में, ऐसे इतना मोटा नहीं हो लेकिन शक्ल मेरी हमेशा से बहुत बड़ी रही। गाल बाल ये फुले, वजन वजन बोल के कुछ है नहीं, लेकिन मुंह देख के लग रहा है एकदम खाते पीते खानदान का है। सिस, ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही खूबसूरत है। मस्ता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो लोग कोई बाहर बैठता ही नहीं है। हाय, कैसे? सही। अरे जा, चिकना बन का है लंडा। तो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई ये है अपना पूरा पूरा गैंग इधर है। अच्छा, अभी सारे बिल्डर लोग, ये आधे बिल्डर लोग और हम नो बिल्डर। अरे अरे, 2 दिन जिम जाके बॉडी दिखा रहे हो भाई। अभी यहाँ पे आके 5-10 मिनट बात करे, ग्रुप बनाए, सब वीडियो फुटेज लिए। अब जाएंगे हम लोग पेट पूजा करने के लिए, तो अभी जाएंगे जाके कुछ खाना वाना खाएंगे। खाने के बाद फिर सोचेंगे इसके घर जाएंगे, फिर हम मौजा मस्ती करेंगे। भलो, आज जो है अपन एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट में आए हैं। खास बात इसकी ये थी कि इसमें ये बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट लिखा होता, सन पता नहीं 1947 का। अब मसला क्या, अपन को जो बंदा लेके आया वो खड़ा खुद भाग गया। वो देखो, वो आया खूनी दरिंदा। वो देखे, हमें बुला के सारा खुद फोन पे लगा हुआ है वैसे। लेकिन इस पानी का राज क्या है, जरा पानी का कलर दिखाओ जरा। ये है क्या असल में? नॉर्मल है, पता नहीं कुछ डाला हुआ पानी है क्या? पानी का राज है, ये पानी अच्छा पानी है। और ये देखो, ये सलाता, देखो सलाता, और ये दिल खुश हो जाता मेरे को नींबू देख के। ये क्वार्टर डल रहा है, आज के हम लोग का डिश जो है पराठा है। ये इनका करी होता है के साथ 2 बीफ की डिश हम ली है। हमका जो जो पता चल रहा है हम वही बताएंगे भाई। ठीक है, पराठा ये है, पराठा, और ये है बंदा जो हमको यहाँ पे लेके आया और ऑर्डर करने के टाइम खुद भाग गया। ये मसाला, ये मसाला नहीं, ये फ्राई है और वो करी है। राइट, करी नहीं है, मसाला है। अच्छा, मसाला लग तो सेक्सी रहा है। अरे भाई, ये फाइनली जो इनका मेन डिश होता मसाला डोसा। अभी यहाँ पे बिरयानी खुलेगा, बिरयानी ये भाई। रजा, सलाम अलैकुम जमाल। या हांडी टेढ़ी हुई, ये निकल। पराठा चाहिए? पराठा नहीं 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 भाई, बहुत है, शुक्रिया। निकालूं? अरे तुम अपने लिए निकालो पहले, हम पराठा खत्म कर लेते। बिरयानी सादा नहीं, यहाँ पे मटन बिरयानी हो ना। मटन मटन ढूंढ लो भाई। भाई लोग, खाना खाने के निकले अभी। 15 मिनट बोलने जा रहा था, 3 घंटे से गाड़ी में बिठा है, एक तो कमर टेढ़ी हो गई। एक तो जो हलक के बल खाना खाए हुए हैं फ्री का, और ऊपर से गाड़ी में 5 लोग, वो भी मोटे मोटे, सबसे पतले तो हम ही हैं माशाल्लाह। अरे अपनी तारीफ खुद ही कर लो तुम बस। लेकिन भाई 3 घंटे लगातार गाड़ी में बैठ के घूमे और अभी कमर टेढ़ी हो गई। अभी साले सबके सब नशेड़ी, एकदम खतरनाक किस्म के बीड़ी फूकू है, सब जाके अभी
बैठ के क्लब में बैठ के फूकेंगे फूकेंगे सर। देखो कितना खुश हो रहा है फूकने के नाम पे। तो यहाँ पे एक शीशा हाउस है, कैफे, कैफे शीशा कैफे, वहाँ पे जाके हम तो शरीफ बच्चे, हम तो टिप डायरेक्ट नशा करते, लेकिन ये लोग जो है ये सस्ते शीशा फूकेंगे। ये क्या हुआ, छिल रही है। Day two. भाई भूख बहुत लगी है, अभी खाने के लिए जाना है और भाई साहब घंटा लगा रहे हैं। तो अभी जो होगा ना, अभी ये जेद्दा में हर कोने में तोड़फोड़ चल रहा है। जब तोड़फोड़ होता है तो बिल्डिंगें गिरती है, नई बिल्डिंग खड़ी होती है उसकी जगह में। तो आपको अभी फुटेज दिखेगा सऊदीया में और स्पेशली जेद्दा में तोड़फोड़ होने वाली बिल्डिंगों का, और साथ में म्यूजिक हम एडिट करेंगे। लेकिन मीनवाइल आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, वो है मेरे को अभी इंस्टाग्राम नाम के एक जो ऐप है, मेरे को उसमें ब्लू वाला टिक होना, तो उसके लिए मेरे को फॉलोअर मांगता है। तो जाके चुप्पे से जाके आराम से वहाँ पे फॉलो मार देना मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में, इधर कहीं कहीं पे लगा देगा यहाँ पे, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। तो बाद में मेरा भी ब्लूटूथ टिक आ गया और आप लोगों का मनोरंजन तो हो ही रहा, और देखते रहो तोड़फोड़ एंजॉय करो। भाई दिन बदला लेकिन जगह वही के वही, फिर सुबह को आ गए हिमाच। असल में यहाँ पे हम लोग भाई के घर के आजू बाजू घूम रहे थे, तो सोचे कि स्टारबक जाके कॉफ़ी वाफ़ी पीना है, खाना वाना खाए, बर्गर वर्गर मज़ा आया, अभी कॉफ़ी पीना है। तो सबसे नियरेस्ट लोकेशन था
एमआर का कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स, सभी आए वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे गर्मी में। भाई हम पूछ रहे थे पैसा मैं दे रहा हूँ, कम से कम नाम मेरा लिख ले। नहीं नाम भी बारिश करके हम मेरा नाम लिख लो। क्यों तेरे पास नहीं है, मेरा ले ले। वाओ गाइस, मास्क 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 करते करते हम बोले थे आएंगे यहाँ से खाना लेंगे बैठ के खाएंगे, इसमें कहना नहीं मुझे बाहर नहीं बैठना। भाई इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, हम लोग मैं जा रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, इसके रिश्तेदार आ रहे हैं और ये जा रहा है, ऐसे बोल के हम लोग एयरपोर्ट आए बस ऐसे ही मस्ती करने मस्ती। ये देखे पिशानी पे भला ना कहते बल, इसी गंदे जोक की ऐसा जुमीन मार के बातें करते ना मेरे को, मेरे व्यूअर्स भाग जाते हैं, ऐसे दो चार लोग हैं। भाई मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कब मेरा टाइम आएगा, ऐसे ऐसे बस में बैठ के फिर अपने प्लेन पे चढ़ेंगे, चढ़ के फिर से बाहर जाएंगे। अभी लमसम 4 महीने मेरे पास, 4 महीने बाद इंशाल्लाह मेरा भी टाइम आएगा। इस दफ़ा सोच रहा हूँ कि एक आध लौंडे को साथ ले ही जाऊँ, ये भी बहुत दिन से रो रहे कि यार यार चलो अकेले से हमेशा चले जाते हो भाई, कभी लेके नहीं जाते। तो मेरा बन रहा है कि मेरा बन रहा है कि ये भाई साहब जना इन भाई साहब को लेके भी प्लान बन रहा है इंशाल्लाह कि हम जाएं। हाँ इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, अभी तक प्लान इंशाल्लाह है हम जा रहे हैं। नज़र नहीं लग रहा है लोगे, भाई लोग दुआएं कर लेना हाथ उठा के, दुआ कर लेना चले जाएंगे, पैसे ऐसे भर भर के पैसे आ जाए, बस तुम लोग व्यू दे देना, बस ऐसी ऐड दुआ देख लेना, बस पैसे आ जाएंगे चले जाएंगे तुम्हारे, आप तुम्हारे पैसे से हम इंजॉय कर लेंगे, क्या है कौन सी बड़ी बात है। भाई लोग ये मेरा, आप लोग जिन जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता मेरा फेवरेट स्पॉट है भाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एयरपोर्ट जो है वो सबसे पसंदीदा जगह है मेरी, क्योंकि ये एक टाइम है जब आप खुल के फ्री होके बैठते हो कहीं पे फ्री होके, क्योंकि काम वाम का प्रेशर नहीं, फैमिली का टेंशन नहीं, बाहर जा रहे हो घूम रहे हो मज़े कर रहे हो। देखो आपके भाई लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कल को जब बड़े यूट्यूबर बनेंगे ना तब यही लोग पूछेंगे ऑटोग्राफ लेने, यही लोग पहले आएंगे लाइन पे, बता दे रहे हैं। भाई अभी तो बस बैठ के यहाँ ऐसे मज़े ले रहे हैं, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करें करके फिर जिनको पिक करना है पिक करेंगे, पक करके चले जाएंगे। B1 पे जाओ, B1 तू इसी टर्मिनल से तो गया था ना, मैं यहाँ से 2-3 बार जा चुका हूँ। अच्छा मैं भी यहीं से दो दफ़ा जा चुका हूँ, दो दफ़ा हम मन का कौन सा अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4-5 महीने का। ये एयरपोर्ट में कोई थाईलैंड का कोई फंक्शन वंक्शन चल रहा है, तो थाई एयर के जो बाजू में
यहाँ पे कुछ लोग आए, कुछ पिक्चर विक्चर लगी हुई है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको वहाँ का फुटेज दिखा देता हूँ। वैसे जाने का प्लान है थाईलैंड के इसी से, तो देख ले। भाई सच बताऊँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन आई नो कि उनके कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, सो मे बी उनके लिए बस। और रिसेंटली सऊदीया में थाईलैंड का आना जाना ओपन हो गया, तो ओपनली वो सो कहने डायरेक्ट फ़्लाइट है, अभी फ़्लाइट चालू हो गई, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तो प्लान है डायरेक्ट, अगर थाईलैंड जाने का प्रोग्राम कन्फर्म हो गया तो डायरेक्ट फ़्लाइट से जाएंगे इस दफ़ा, और इस दफ़ा थाई एयर लेने का मेरा फुल प्लान बन रहा है। भाई घूम फिर के अभी अरब मॉल ऑफ अरेबिया का दूसरा चक्कर लग गया आज। आज आए थे यहाँ पे अभी से घूमने फिरने कुछ ख़रीदारी करनी थी, और अभी दोबारा आए यहाँ पे रात का डिनर करेंगे, क्योंकि यहीं पे हम लोग गाड़ी एक छोड़ के गए थे, दो गाड़ी लेके आए, एक गाड़ी ही पे छोड़ दिए, अभी इधर वापस आए जाके डिनर करेंगे, गाड़ी पिक करके अभी वापस जाएंगे घर अपने। टिश्यू दे रहा हूँ।